लगातार बैठक करते हैं, जरूर दिशा निर्देश देते हैं कि क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो पाए, जनता को परेशानी ना हो पाए किसी तरीके से, वो गरीबों की बात हो, श्रमिक मजदूरों की बात हो, हर एक चीज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ध्यान रखते हैं। आपको बता दें, जो व्यक्ति गांव में रहता है उसको 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और अगर उसके घर में कोई बीमार है तो उसको 2,000 रुपए दिए जाएंगे। तो लगातार हर एक चीज का ध्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रखते हैं। टीम 11 को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस तरीके से टेस्टिंग का आंकड़ा भी हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संकट में काम किया गया है, जो काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई लापरवाही देखने को नहीं मिलती है। लगातार श्रमिकों का आना जाना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि जो श्रमिक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग की भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ही उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है, जितनी उनकी स्किल होगी उसी हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। तो वहीं खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, राशन बांटा जा रहा है, गांव में भी 4 चरणों में अब तक राशन बांटा जा चुका है, और जो 5वां चरण अब शुरू होने वाला है उसमें चने को भी ऐड कर दिया गया, यानी अब 5वें चरण में किसानों को और जो गरीब लोग हैं उनको चना भी दिया जाएगा। तो लगातार हर एक चीज का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, वो रोजगार की बात हो, खाने की बात हो, या फिर किसी भी तैयारी की बात हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार बैठकें की जाती हैं, जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, रोज वो दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से ये जो संकट चल रहा है ऐसे में हम किस तरीके से काम करें जिससे लोगों को परेशानी ना हो पाए। हर एक चीज का विशेष यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, और आपको बता दें आशा वर्कर्स भी लगातार काम कर रही हैं। आशा वर्कर्स ने भी आरोग्य सेतु ऐप से 11 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक कॉल कर चुकी हैं, उनका हालचाल जान चुकी हैं, जिससे ये भी पता चला है कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कितने लोगों का इलाज चल रहा है और कितने लोग ठीक हो चुके हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप भी एक यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है, और तो वहीं 1600 से ज्यादा ट्रेनें अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, और श्रमिकों मजदूरों का भी लगातार आना जाना यहाँ पर हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम यहाँ पर हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार काम कर रहे हैं, हर एक चीज को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। टीम 11 के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं, और अब एक नई पहल शुरू करी गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया था कि अब यात्रियों को एक पैम्पलेट बांटा जाएगा, उस पैम्पलेट में ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से आपको यात्रा करनी है और यात्रा करते समय आपको किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, काफी लंबे समय के बाद लॉकडाउन को खोला गया है, यानी अनलॉक 1 अब आ गया है, आज उसका 3रा दिन है, और यात्राएं भी लगातार हो रही है, तो उसमें भी हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम कोरोना संकट को दूर कर सकते हैं और कोरोना की इस लड़ाई से निपट सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, हर एक चीज को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारे श्रमिक मजदूर कहीं और भी फंसे हुए हैं किसी राज्य में, तो उनको पत्र लिखा गया है कि किसी तरीके से आप उनको यहाँ पर भेजें, और लगातार कई सारी बसें भी आ चुकी हैं और ट्रेनों का आवागमन भी लगातार जारी है। आपको बता दें 1600 से ज्यादा ट्रेनें अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, और पहले टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी वो एक दिन में सिर्फ 50 होती थी, लेकिन अब काम देखिए, अब एक दिन में 1000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, तो एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हाथ लगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक चीज को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो काबिले तारीफ है, लगातार वो टीम 11 के साथ बैठक भी करते रहते हैं। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनौर में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है, लाठी डंडों से पीट पीट कर महिला की हत्या करी गई है, पैसे ना देने पर नौकर ने हत्या करी है।